91.9 FM, मेरा नाम एनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ ओबेरॉय ग्रैंड से, जहाँ पर आज बहुत ही शानदार सी एक इवेंट हुई है। हर्बल लाइफ एंड न्यूट्रिशन की बहुत ही शानदार सी इवेंट हुई है। यहाँ पर आज इंडियन खिलाड़ियों को फेलिसिटेट किया गया है हर्बल लाइफ की ओर से। जी अब 15th एनिवर्सरी वे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोलकाता शहर में इस वक्त हर्बल लाइफ की पूरी टीम आई हुई है और वे फेलिसिटेट कर रहे हैं इंडियन खिलाड़ियों को। और इस वक्त हमारे साथ है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड दीपिका पालीकल, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली है। स्क्वैश प्लेयर हैं, उनके साथ हमारी बातें होगी। दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 FM पे। थैंक यू। वेल, आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो पूरा हमने एक शानदार सा इवेंट देखा, इतने शानदार तरीके से इसे फेलिसिएट किया गया, आप सभी को क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। भला उसके साथ मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 5-6 महीने ही हुए हैं, तो पर फिर भी मतलब मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू किए और मेरी ने भी बताया, साइना ने भी बताया, द प्रोडक्ट्स वर रियली गुड, तो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ एंड दे आर रियली वेरी गुड। और उसके अलावा द प्रोग्राम वाज वेरी गुड, फेलिसिटेशन बहुत अच्छे से। कोलकाता के लोग क्रेजी नजर आए आपको? नहीं, मैं कोलकाता में गई ही नहीं, मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, तो मैं आई हूँ सीधा यहाँ पे, मतलब बहुत मुश्किल से टाइम तक पहुँच पाई हूँ और अभी बस खाना खा के फिर हम वापस निकलेंगे। तो कोलकाता में तो मैं स्टेप भी नहीं कर पाई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम पर मैं, अभी जो ड्राइव किया मुझे अच्छी लगी सिटी, तो नेक्स्ट टाइम का भी मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने मैरी से भी पूछा था कि 40 लाख लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सभी को मोटिवेट करने के लिए जो आपके तरह बनना चाहते हैं, आप सबके तरह बनना चाहते, उनसे क्या कहना चाहेंगी मैम? जो लोग भी आवाज़ सुन रहे हैं, ये उन्होंने शायद पहले भी बहुत बार सुना होगा कि जो आप सपने देखते हैं उसको सिर्फ देखने तक ही सीमित मत रखो, तो उसको पूरा करने के क्या तरीके हैं वो आप ढूंढो, किसी से पूछो, अपने बड़ों से पूछो या अपने साथियों से पूछो, और उसको पूरा करने के आप अपना रिसोर्सेज इकट्ठा करो और उस पर लग जाओ। और एक बार शुरुआत करना ही सबसे कठिन वो होता है, द 50% जॉब इज डन, एक बार आपने शुरुआत कर ली फिर तो आपको उसी रास्ते पे चलना है, तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बातें करने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड दीपिका पालीकल, जिनके साथ हमारी बातें हुई थी बिल्कुल लाइव ऑन 91.9 FM। अड्डा गान, टोटल फन।